तो है व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, और इस बार भी वीडियो लेट है बिकॉज सही सा गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं हुआ। और ये जो भी गेम प्ले रिकॉर्ड हुआ है इसमें भी सीन बन गया कि उधर से ही गाड़ी लेके वो जो फाइट होता है ना रेगुलर की तरह हो गया। तो हम लोग इस बार भी आए जॉर्ज पोल में, और यहाँ पे आके हमको पता चला कि ऑलरेडी एक स्क्वाड यहाँ पे डेरा जमा के बैठा हुआ है। मतलब सही में हम लोग कितना लड़ झगड़ के आए और तुम लोग डेरा जमा के बैठे हुए यहाँ पे, ऐसा होगा तो सही लगेगा क्या सबको। तो जैसे भी हो, और आप देख सकते हो अपने यहाँ पे अपना जो पार्टनर है ना नूबरा पड़म को, तो मतलब क्या बोलूँ, बोलने भी सही नहीं लगता बोलने भी, लेकिन देखो पहले डिस्कनेक्टेड होकर बैठा हुआ है। सही है, तो यहाँ पे पहले से जो स्क्वाड थी ना उन स्क्वाड को पता थी कि हम पे कुछ नहीं है, और लकीली हम सब पे एक एक गन आ गई थी। मतलब ये जो कंटेनर है ना इसको थोड़ा सा लूट लाट के देखो, इसमें देखो बंदरों टाइप कूद रहा है लिफ्ट में। तो बंदे को पता चल गया था कि हम लोग के पास ज़्यादा गन नहीं होंगे। तुम देख सकते हो हमारे यहाँ पे हेलमेट रेस नहीं है, और यहाँ पे एक ही नाम के एक बंदे ने उसको नॉकआउट कर दिया। सही है, हाँ उसको नॉकआउट कर दिया, खुद भी नॉकआउट हो गया। तो मैंने यहाँ लगाया मैक्सन भाई का दिमाग और कर दिया फ्लैंक, वो भी राइट से। देखो फ्लैंक करने का क्या फ़ायदा, देखो एक बंदा लुढ़क चाहिए उसे। तो मैंने कर दिया था फ्लैंक, उन लोगों को अभी भी कोई आइडिया नहीं था कि बंदे ने कहाँ से मार दिया। तो ये बहुत मतलब बहुत ही अच्छा मूव था आप बोल सकते हो, और फ्लैंक मरते वक्त चारों की तरफ देख के जाना चाहिए। इसलिए मैं, मुझे पता था कि बारह सौ बंदा है, इसलिए मैं अंदर से गया बाहर से ना जाकर। देखो इधर देखो इधर देखो, और एक मुद्दे ने नॉकआउट हो गया, और एक मुद्दा यहाँ पे हो गया नॉकआउट। तो इसी के साथ तीन बंदे हम लोगों ने कर दिए थे डाउन उनके, और अपना एक बंदा राउंड था, लेकिन कहाँ से उसको एक स्प्रे पड़ा यूएमपी का, मतलब थप्पड़ सा पड़ गया, ये हो गया फिर। तो ये तो सही नहीं हुआ उसके साथ, क्योंकि उसको बचा सकते थे हम लोग लेकिन उसको नहीं रखा। तो यहाँ पे और एक बंदे को अपने केयर फाइन ने फिनिश कर दिया, तो इसके साथ हो गया स्क्वाड का एंड। और हमको दिख गया एक प्लेयर, सॉरी नॉर्मल रहा प्लेयर नहीं दिखा, क्योंकि गरीब बंदे हम लोग, दो बंदे बचते शहर पे जाएंगे पागल है क्या, एक तो गेम पे सीखे खिलाने की ना, इसलिए हम लोग गए नॉर्मल ड्रॉप पे। तो यहाँ मैं और के जिससे खेलते हैं कौन क्या लेगा, तो मैंने कहा भाई एम तो फोन आएगा भी तो मैं लूँगा, लेकिन यहाँ इधर ऑम देख कर ना जीप लचा गया, तो इसने भी ऑम ले ली, और उसको डी पी पसंद थी, फिर उसको डी पी पसंद थी, इसलिए मैं बोले भाई डी पी लेना तो लेना, उसने डी पी ले लिया। लेकिन हमको क्या पता था ये ड्रॉप, मतलब हम अकेले लूट से नहीं आए ये ड्रॉप, और भी किसी को ये ड्रॉप चाहिए था जिनकी आवाज़ मुझे पहले आ गई है। देखो अब मैं यहाँ चेक करूँगा ना, अब इनकी आवाज़ आएगी मुझे गाड़ी लेकर आ रहे थे, लेकिन लकीली इनके एक बंदा भी हम लोग डाउन नहीं कर पाएंगे। देखो 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 ताले लोग कैसे भाग रहे थे, देखो चार बंदे थे, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि उन लोगों ने पुश क्यों नहीं किया, सही में उन लोगों ने पुश नहीं किया था हम पे। तो हम लोग इधर ड्रॉप लूटे आराम से, तो हम पे ना गाड़ी नहीं थी, ये कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो हम लोग पीछे जाके गाड़ी लेके आ गए यहाँ पे कंपाउंड पे, यहाँ कंपाउंड में आने का एक ही मकसद था, यहाँ ऊपर मुझे एक ड्रॉप दिख गया था, मतलब घर के ऊपर एक ड्रॉप था इधर, हाँ नहीं दिखा ना, नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे दिख गया था इधर एक ड्रॉप। तो मैं इधर रुक गया था कि ड्रॉप लूटता हूँ, लेकिन इधर कंपाउंड होल करके ऑलरेडी दो स्क्वाड का फाइट हो गया था, एक स्क्वाड बची थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि उनका जोन कट ऑफ करते हैं, यहाँ रुक जाते वो लोग जब आएंगे तो बांट देंगे, लेकिन सीन गलत हो गया, इधर हमको और एक स्क्वाड दी थी भागते हुए बंदर उठाए, तो मुझसे संभला नहीं गया, तो मैंने फायर ले लिया। तो हम चाहते थे कि स्क्वाड को मतलब बुरी मार दें, लेकिन स्क्वाड क्या जीत है आप लोगों को देखते रहो, मरने का नाम ही लेने की। देखो केयर्स ने एक को नॉकआउट किया, मैंने उसको शायद फिनिश की तरफ कर ही दिया था, और इधर मुझे एक और दिखा बंदा, लिटरली आप यहाँ देखना मेरा तीन नॉकआउट हो गया, मुझे एक भी किल नहीं मिलेगा। तो इसमें हमको वो जो कंपाउंड था ना, कंपाउंड से चांटे पड़ना शुरू हो गए, मतलब M24 कार 98 दोनों के चांटे पड़ना शुरू हो गए थे। लकीली हम में से किसी को भी एक ही शॉट नहीं लगा, ये मतलब हम लोग बच गए,
देखो मेरी मतलब हिम्मत देखो, चाटे पड़ रहे लेकिन मैं फिर भी ऊपर उठ के देख रहा हूँ कि अगर कोई दिख जाए तो चलता होगा। ऐसे भी केडी का लगे पड़े हैं और ये जो सरवड़े ना घटिया सरवड़े भाई, बिल्कुल ही कतई घटिया सरवड़े। आप लोग मुझे कमेंट करो कि किन लोगों को ये पबजी का ग्लोबल वर्जन इतना घटिया लगता है, क्योंकि मैंने रिसेंटली कोरियन वर्जन डाउनलोड किया है, तो कोरियन वर्जन में भाई क्या तबाही सर्वर आता है, सही में बहुत अच्छा सर्वर आता है। उनके लैग भी इतना ज़्यादा नहीं होता और भाई आउटफिट्स और मतलब पेटॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे। अगर आपको कोरियन वर्जन खेलना है तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका लिंक दे दूँगा। और अभी के लिए इधर से हम लोग अभी भागने वाले, क्योंकि ये लोग तो ये कमीने बनने का नाम ही नहीं देते। मैं केएस को इनकी लोकेशन बता रहा हूँ, लेकिन ये कमीने मरने का नाम ही नहीं दे रहे थे और यहाँ बच गए थे 30 सेकेंड बस सुनाने को। तो मैंने केएस को बोला भाई चल हम भागते हैं, जैसे मतलब चलते बनते हैं बस, और कुछ नहीं। तो वहाँ से चलते बनते हम लोग आ गए दूसरे ड्रॉप की तरफ। तो यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉप के पास एक स्क्वाड थी और उस स्क्वाड का उन लोगों से फाइट हो गया था। ये वाला ड्रॉप है, डाइट वाला आपको और एक ड्रॉप दिखा होगा, ठीक है। उन लोग वो लोग उधर मतलब हमको दूर से दिख गया कि वो लोग चार बंदे थे, लेकिन वो लोग हमको देख नहीं पाए थे। तो केस की तरह एक बंदा स्पॉट हो गया और उसने कहा कि नॉकआउट कर दे। मैंने कहा हाँ भाई नॉकआउट को सबसे कर दे। और यहाँ इतने में मेरे को एक स्पॉट दिख एक क्या उठता फिरता बंदर, तो इसको नॉकआउट किया मैंने, लेकिन इसको फिनिश नहीं कर पाया। तो जोन का भाव देखते हुए हम लोग सोच रहे थे कि भाई उनसे फाइट ले डायरेक्ट, फिर क्या समझता है भाई बोले चार बंदे हैं फाइट नहीं लेते चलते हैं। तो मैंने यही समझा कि भाई हाँ फेस कल कैसे हम लोग जो भी बोले, इस बंदे के साथ ना मेरा पार्टनरशिप बहुत बढ़िया बनता है, तो जो भी बोलो ये बिल्कुल मेरे साथ चिपका रहता है ना, इससे पार्टनरशिप बहुत बढ़िया बनता है। और यहाँ हो गया वो सर्वर का घटिया काम, गाड़ी आके छुप गई मुझे पता भी नहीं चला था, नेक्स्ट पहले मुझे पता भी नहीं चला था गाड़ी आके छुप गई। तो यहाँ से सोचे सोचते गाड़ी छुप गई, फाइट से लेना था क्योंकि मैं गाड़ी को बाहर नहीं ला पाया था। और यहाँ हो गया 2v4, देखो क्या होता है। टीम गलत हो गया था, केएस अकेला अंदर घुस गया था, मैं लेफ्ट से सॉरी राइट से मैं पीछे से फाइट ले रहा था और केएस डायरेक्ट अंदर घुस गया था, इसलिए इसको मार के फिनिश कर दिया 10-4-9 वाले कमीने में। और यहाँ मुझे मिल गई मेरी फेवरेट गन 2AW and 2.49, क्योंकि मैं यहाँ अकेला बचा हूँ और मेरे सामने अभी 5 बंदे लाए थे, तो मुझे लगा कि ये 1v4 का सिचुएशन हो सकता है, तो इसका कंटेंट बन सकता है अगर मैं ना मर जाऊँ तो। तो यहाँ मुझे लगा जोन का सनक भाग के आ गए यहाँ पे, और इसने मैं एक बंदे को उन्होंने मार दिया था। तो मुझे अब लगा कि भाई 1v3 का सिचुएशन है, लेकिन नहीं मुझे ये भी गलत लगा क्योंकि मुझे सामने वाले घर से 2 बंदों की आवाज़ आ गई थी। तो हाँ याद क्या एक समझ आता है, इसका मतलब सुनना तो आपको भी आ जाएगी आवाज़ कि 2 बंदों की मुझे मतलब क्लियरली आवाज़ आ रही थी कि सामने 2 बंदे हैं। भैया मुझे मिल गया एक ग्रेनेड और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा भाई का ओपी ग्रेनेड, देख सकते हैं आप लोग एक ही ग्रेनेड है बचा मेरे पास भाई। लुल यार ये ग्रेनेड बहुत ओपी ग्रेनेड था, सही बताओ तो इस ग्रेनेड की वजह से मैं आधा मैच जीत गया हूँ। और यहाँ एक को नॉकआउट करते मेरे पे सनक चढ़ गई कि भाई और अच्छा चांस नहीं मिलेगा, अगर 3 बंदे हुए ना तब भी मैं मार सकता हूँ उस टाइम पर। और मैं घुस गया का ये एडवांटेज है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इस नूबड़े को अपने छाती में हाथ फैलाते हुए अपने बंदे को मेरी पोजीशन बता रहा है। भाग गया था। और ये देखो तो रंग आ गया कहाँ से, मैं इनके मुंह में खड़ा हूँ और ग्रेनेड निकाल रहा है। तो यहाँ इसका हो गया जीजी, एक ही बंदा बचा था। और कैसे यहाँ बहुत सोचता कि भाई 1v1 सिचुएशन है, और मैं भी क्वाइट कॉन्फिडेंट था कि भाई ये 1v1 सिचुएशन है सही है, लेकिन नीचे अगर जोन बनता ना 3 बन जाता, क्योंकि भाई सांप बन के लेटे हुए थे ना इस टाइम पे और मुझे सांप मारना नहीं आता, सही में सांप मारना मुझे नहीं आता, लेकिन गेम हो गया कुछ कमाल, मुझे सांप दिख गया पहले।
तो इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और भाई शेयर करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, शेयर करो, तभी तो आपकी भाई की वीडियो की जाने चलेगी। तो यहाँ देखो स्टाफ, और स्टाफ के साथ मज़े लेते हुए मज़े ले रहा, बाय बाय। मज़े ले रहा था सही में बताऊँ। मैं तो एक ही शॉट मार सकता था।